मैं कसम खा के कह रहा हूं आपको, मैं आज इसलिए बोलूं कल कैंसर में, मेरे को आज एक एक रिपोर्ट वहां की है, एक एक रिपोर्ट शर्म नहीं आती इनको, जो वहां पुलिस अधिकारी लगे हुए थे उन्होंने मुझे एक एक बात बताई, पूरी रात गोलियां ठोक रहे हैं, अरे छोटा चमक गए लोग, डरे हुए दहशत में बच्चे, स्कूल कॉलेज कब से बंद पड़े, पूछो आप बच्चियां कब से नहीं गई, अरे एक ही एक पक्ष क्या कर दिया, मार दिया आपने, ओके डन, इतना सा गुना हो गया कि सीबीआई जांच करा लो, राजस्थान की पुलिस और सरकार ऐसे पीछे लग गई जैसे कोई बॉर्डर पे युद्ध हो रहा, कि ये कोई पाकिस्तान से युद्ध चालू हो, कैसे बोल दिया, बोलना गुना है क्या सीबीआई जांच मांगना, एक सीबीआई जांच मांगने पर मुंह में गोलियां ठोक रहे, बच्चे को खड़ा करके गोली मारी महेंद्र सिंह के यहां पर, मैंने पूछा उसे कल मैं एसएमएस में था, खड़ा करके वो कह रहा मैं सोच ही नहीं सकता, उसकी मैं बात करे उसके घर वालों से, उसके घर वाले ढूंढ रहे, वो कह रहा मैं समझा ही नहीं, सामने से आराम से ठप, अरे ये क्या है भाई, अच्छा बंदूकें जिन्होंने छीनी, भीड़ ने छीनी उनको हाथ में भी और फिर हवाला किया, ये नहीं बता रहे, इतने समझदार थी वहां भीड़, क्या बात करते हो, 500 ऑडी 500 मर्सिडीज वहां पे, ऐसी गाड़ियां थी, टैक्स देने वाले लोग वहां इकट्ठे थे जो इनकम टैक्स देते हैं हिंदुस्तान की सरकार को, वहां गाड़ियों की तो देखो आप कैसी गाड़ियां थी, कैसे कैसे बिजनेसमैन वहां खड़े थे, 5 किलोमीटर में गाड़ियां खड़ी थी, बस भावना थी उनकी कि सदन की सभा पर चलते हैं, उनको पता था गोलियां चली, 75% लोग इनोसेंट थे, उनको आश्चर्य, वो रास्ते पर बात करते आ रहे थे, गोली कहां चली, क्यों वहां तो चली नहीं सभा, कैसे मर गए यार, क्यों मार दिया, अरे क्या है, क्या चाहते हो, सरकार बड़ी बहादुरी दिखा रही, जवान काट दोगे, प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीबीआई की जांच की मांग की, मेरे को मार देगी, इसका मतलब यह हो गया अशोक गहलोत ने भी सीबीआई जांच की मांग की, मार दोगे, आप कह रहे हैं कि हम बच्चों को मारेंगे गोली चलाएंगे, मार दी गोली, मार दी, खुश हो गए, और वहां बाकायदा पुलिस को पाठ पढ़ाया गया, 11 आदमी यहां लाए जाते हैं पुलिस के, 500 जो भीड़ थी उसमें के बाकी लोग घायल हुए, अपनी पट्टी बांध कर चले गए, रस्ते में अरेस्ट कर लिया उनको, शुरू में जो अरेस्ट हुए थे जिस दिन पहले दिन झंझट हुआ एनकाउंटर के बाद, एक थाना इंचार्ज एक पत्थर लगा था, उन बच्चों की आज तक जमानत नहीं हुई, 150 बच्चे जेल में, आज तक नहीं, एक पत्थर लगा था, एक पत्थर लग गया, भीड़ थी, उसके बाद एक घटना हुई है, मुझे बता दो आप, एक पत्थर, उसके बाद ये भीड़ थी, ये श्रद्धांजलि सभा थी, वो भीड़ पूरे रस्ते पहुंची है, एक रस्ते में बता दो किसी गाड़ी पर पत्थर मारा हो, किसी की गाड़ी तोड़ी हो, कुछ और हुआ हो, आप बता दो, वहीं पर हुआ है जहां पर पुलिस ने ज्यादा स्टाइल लगाई है, बड़े अधिकारी वहां झंझट हुआ है, एक अभी भी इस वक्त भी ये सब कुछ कर दिया, आज भी कोई बहुत बड़ा बलवा हो गया, इतना जबरदस्त बदनाम किया जा रहा है कि बस सारा सब कुछ गुना, ये भीड़ इकट्ठी क्यों हो गई सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना सबका अधिकार है, और किसी भी वर्ग को किसी जाति को बदनाम करना और उसको बेवजह टारगेट करना ये किसी भी सरकार का राजधर्म नहीं होता, और ये बार बार कहा जा रहा है किसी जाति विशेष का आंदोलन नहीं है, इसमें सब लोग शामिल है, वहां आप जाते तो आपको पता चल जाता, इसलिए इसको जिस तरह से पेश किया जा रहा है उस बात की मेरी नाराजगी है, आगे जो भी होगा यदि सरकार का जुल्म नहीं रुकेगा तो मैं आपको आपको फिर कह रहा हूं मैं खुद सड़कों पर आऊंगा, ये सरकार अपनी गलत से भी निकाल दे कि सरकार ने जो फैसला ले लिया सब कुछ ठीक है, अभी सर्व जाति संघर्ष समिति का आंदोलन कर रही है, यदि ये सोचे कि हम सबको बंद कर देंगे जेलों में डाल देंगे आवाज मुंह पे ताले लगा देंगे, इनके मंत्री बड़े खुश हो रहे हैं गांव में जाएंगे तब बात करूंगा मैं इनसे, जो आज हंसी उड़ा रहे हैं ना जिनके वोटों से जीत कराए कईयों को उनको गलत फहमी है, वो जाएंगे तब पता चलेगा, अभी तो सत्ता के मद में चूर है, घमंड की भाषा किसी की नहीं चलती, घमंड रावण का ही नहीं चला, राम आया अंत कर दिया, इनका पहले भी अंत और गोली चलाना इनकी आदत है, पहले भी 70 मारे थे रावणा गरसाना भी मारे थे, आज पहली बार गोली चलाई, पहले भी पट्टियां रुकी थी, बाद में इन्होंने हमेशा इनका काम रहा, और आपको पता है